आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, ब्लेस तो आप लोग हैं ही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्केंजल टैरोट एक चैनल नहीं, एक फैमिली है, और जो भी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। भगवान जी आपकी सारी विशेज पूरी करें, आपकी लाइफ में खुशहाली आए, बरकत आए, अबंडेंस आए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिएगा। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो कैसा सोच रहे हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं, उनके माइंड में, उनके थॉट्स में सब कुछ क्या चल रहा है। सो टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, सोचें कि वो आपके पास है, आपके साथ है। सिंगल है, आप अपने क्रश के बारे में सोच सकते हैं। मिंगल है, अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। बातें नहीं हो रही है आपकी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, एंड वेट कर रहे हैं आप उनकी कॉल का, उनके मैसेज का, उनकी बातों का। आई कैन अंडरस्टैंड। चलो तो जानते हैं, अभी अभी रिसेंट पास्ट में आपके पार्टनर आपसे थोड़े से खफा थे, नाराज थे, एंड एक होता है ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो आप। वो कुछ बोलते हैं, आप करते कुछ हो, ठीक है, या आप वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, आप समझते ही नहीं हो। वो आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, आप वहीं कर देते हो, और वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, आप बताते नहीं। वो जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, या उल्टा हो जा रहा है, या आपकी वो अपनी खुद की सोच है, या आपके पार्टनर को लगता है कि ये मेरे टाइप की नहीं है, क्या कर रही है ये क्या कर रहा है, ये सुनता क्यों नहीं है, जब मैंने इसको मना कर दिया ये सब नहीं करना है, फिर भी ये ऐसे क्यों करता है। क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा ना कि आपको तो लग रहा होगा कि मैं सही हूँ, आपके पार्टनर को लगता है कि आप गलत हो। इट्स नॉट अ वेरी मच, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, लेकिन थिंग इज वो छोटी छोटी बातें होती है ना रिश्तों में, वही मैटर करती है। कि वो सोचते हैं कि ये मैं इनको जब मना कर रहा हूँ तो ये मान क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसी ही कुछ चीज़ें आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हैं, और ये भी आपका काम नहीं है कि किसी के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे, बट थिंग इज वो आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको जो बोलते हैं सॉरी वो आपके भले के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो उनकी बात की, वो जो बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए, हम आप दोनों के भले के लिए, आपके रिश्ते के भले के लिए है, ठीक है, बट आप समझते नहीं। आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है, आपकी सोच कुछ और है, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मान लो और उनकी प्लेस मान लो, बिकॉज थिंक इज वो बहुत जेन्युइनली आपको बोलते हैं वो चीज़ें, ठीक है। आपको शायद अभी समझ ना आ रही हो, अभी आप बच्चे हो चीज़ समझने के लिए, बच्चे नहीं बोलूँगी मैं, थिंक इज आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं इस बात से कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं मानते किसी के भी, ठीक है, प्लीज बियर। सो थिंग इज अभी बहुत ज्यादा नाराज है आपसे, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, मानते नहीं हो, ऐसे गुस्से गुस्से में इन्होंने बात करनी छोड़ दी, कांटेक्ट तोड़ दिया आपसे। बट अभी है ना ये वेट कर रहे कि यार
ठीक है जो हो गया हो गई, लड़ाई हो गया, सब कुछ, मैं नाराज था, नाराज हूँ, तो ये मेरे को मना क्यों नहीं रही है, ये मेरे को मना क्यों नहीं रहा है? अब वो वेट कर रहे हैं कि आपकी कॉल करें, आप टेक्स्ट करें, आप उनको मनाए जाके, आराम से बैठे हैं, उनका मन है बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का। बट थिंग इज, मैं गलत नहीं हूँ, गलत आप हो, लाइक उनके माइंड में जो है कि गलत तुम हो, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे मनाओ तो आके भूल जाऊंगी सारी चीज़ें, या मैं भूल जाऊंगी सारी प्रॉब्लम्स, लड़ाई वड़ाई, लेकिन एक बार आके बात करो, सॉरी तुम बोलो, शुरुआत तुम करो, मैं नहीं करने वाला। वेट कर रहे हैं आपका बड़े मज़े से, बड़े शिद्दत से, और लगता है जल्दी कॉल आ जाए, भगवान जी आपकी ऐसा है उनका, यार प्लीज़ कॉल कर लो यार, एक बार मैसेज तो कर लो यार, तुम तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझसे बात करे बिना, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ या बात नहीं कर रहा हूँ, तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कॉल नहीं कर सकते तुम मुझे, मैसेज नहीं कर सकते, अब नाराज़ ही तो ना, नाराज़ हो गया तो क्या हुआ, मना लो ना फिर, ऐसा चल रहा है उनके माइंड में। एंड आने वाले फ्यूचर में वो आपको अपने दिल की बात बोल देंगे, मुझे नहीं पता आप लोग उनको मैसेज करोगे नहीं करोगे, लेकिन अभी उनको लग रहा है ना लटके हुए, कि उनका मन है जाने का बहुत ज़्यादा आपके पास, आने का, आपसे बात करने का, थिंग इज आप जा नहीं रहे, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको चाहिए कि आप ही आके बात करो, ठीक है, आप जब तक बात नहीं करोगे जब तक वो पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाले। एंड आने वाले टाइम में आपको अपने रिलेशनशिप का, अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं बड़े अच्छा आराम से, बड़ी शिद्दत से, और बताएंगे वो सही में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो जो भी बताते हैं ना वो आपकी भलाई के लिए, अपने रिलेशनशिप की भलाई के लिए बताते हैं, ठीक है। एंड वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके पास ही रहेंगे, इवन अभी तो अब आपकी वो वेट कर रहे हैं कि आप जाके उनको मनाओ। अब हम जानेंगे रोमांस एंजल से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, ट्रस्ट, भाई भरोसा रखो, कहीं नहीं जा रहे हैं वो, ठीक है, भरोसा रखो। The situation is calling you to have faith. Situation ऐसी हो गई है कि आपको बोला जा रहा है कि भरोसा रखे अपने पार्टनर पर। Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. अब है ना माइंड में ये है ना कि मेरे को बात नहीं करनी, अगर आपके माइंड में भी ऐसा है कि लड़ाई करके तो वो गया है, मैं तो सही हूँ अपनी जगह पर, ये है, वैसा है, ऐसा है, कुछ भी है, तो आप देख लो कि आपको उनसे बात करनी है या नहीं करनी है। करना चाहते हो बात तो माइंड में ये चीज़ डाल लो, ठीक है, कि हाँ मेरे को उनसे बात करनी है। जैसे ही अपने माइंड में ये डालोगे ना, सिचुएशन आपके फेवर में हो जाएगी। और बात नहीं करना चाहते थे ना तो वीडियो नहीं देख रहे होते। बहुत जल्दी आपके पास उनकी कॉल या कुछ आने वाला है। मेक द एफर्ट, चलो आई गया, वेट कर रहे हैं, चाहे भाई जाके उनको कॉल करो, उनको मैसेज करो, ठीक है। क्रिएट लव इज बट टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपको जो बोला जा रहा है वो स्टेप्स ले लीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आप एफर्ट करिए, प्लीज़ उनको जाके बात करिए, उनको थोड़ा लंबी डब्बी किसी भी सीख हगी शगी, ठीक है, इमोजीज भेजोगे, कौन सा लॉकडाउन में कहाँ जाओगे, आप लॉकडाउन भी हट गया, बट देख लो तुम्हारी मर्जी भाई, डोंट इन्वॉल्व मी, ठीक है। सो ओके, अब मैं निकालूंगी एंजल आंसर से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या बोला जा रहा है आपको। थिंग इज, वेट कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, बात कर लेना भाई। अ ईयर फ्रॉम नाउ मे बी आप लोगों की, कुछ लोगों की शादी हो जाए, मे बी कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, या एक एक साल में आप लोगों के, मेरे हिसाब से तो बहुत लग रहा है कि शादी के चांसेस हैं इन द नियर फ्यूचर। थोड़े से टाइम में ही आपकी उनसे बातें होने लग जाएंगी, आपके पास वो आ जाएंगे, ठीक है, और अपने प्यार का इजहार कर देंगे, आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। रिकंसिडर, और सोचो भाई अगर उन पर गुस्सा आ रहा है ना तो एक बार उनकी सोचा करो, सुना करो कि व्हाट द थिंग इज, वो कहना क्यों चाह रहे हैं, वो कहते क्यों हैं, और वो गुस्सा होकर क्यों चले जाते हैं जब आप उनकी नहीं मानते हो, क्या ये चीज़ें वैल्यू करती हैं, वो जो समझाना चाह रहे हैं क्या
सही तो नहीं समझा रहे हैं या हम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग मुझे पीटना मत क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि उनकी सुन लो, बट थिंग इज अभी वो सही बोल रहे हैं, सुन लो बाद में समझ आएगा। लोगों को बहुत लेट समझ आता है कि जब टाइम सुनना होता है ना सुन लेनी चाहिए थी। सो थिंग इज बट बिकॉज इट्स नॉट फॉर, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, इसमें आपके कुछ बुरा नहीं छिपा है, इसमें आपके लिए भलाई छिपा है। हाँ अगर आप उनकी नहीं सुनते तो शायद आप अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हो आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने रिलेशनशिप को मुसीबत में डाल सकते हो, समझे? थिंक अबाउट इट। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज योर एफर्ट्स मेक्स मी। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। और प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है? मेरी रीडिंग डेली आती है, आप अपनी डेली करंट फीलिंग्स जान सकते हैं और इससे अपने रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। बट थिंग इज प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय स्माइल, ठीक है? एंड या नेक्स्ट रीडिंग कल आएगी, तब तक लिए ठीक है, गुड बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करके जाना ज़रूर, वीडियो को लाइक करे बिना तो जाओगे नहीं आप लोग, मुझे पता है, ठीक है? एंड इसको शेयर करो जितना हो सके शेयर। Bye.